हिंदुत्व, ये वो शब्द है जो बीजेपी के जन्म से ही उसके साथ जुड़ा रहा है। वक्त बदलता गया, जनसंघ बदलकर भारतीय जनता पार्टी हो गया, नेता बदलते गए, लेकिन नहीं बदला तो बीजेपी का एजेंडा। वो कल भी हिंदुत्व की राह पर चलती रही और आज भी हिंदुत्व के रास्ते पर ही चल रही है, लेकिन कांग्रेस, सपा, बीएसपी ऐसी तमाम पार्टियां हैं जो हिंदुत्व के रास्ते पर चलने से घबराती रही हैं, क्योंकि उन्हें खास समुदाय के वोट बैंक खिसकने का डर था, जिन्हें वो बीजेपी और मोदी का डर दिखाकर वोट बटोरते थे। लेकिन साल 2014 के बाद से मोदी ने देश की राजनीति ऐसे बदल दी कि अब ज्यादातर पार्टियां या तो हिंदुत्व के आगे घुटने टेक चुकी हैं या फिर सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पकड़ ली है। देश में अगर हिंदू आतंकवाद शब्द किसी पार्टी ने गढ़ा तो यह आरोप कांग्रेस पर ही लगता रहा। साल 2013 की बात है, वो भला कौन भूल सकता है, जब मनमोहन सरकार में तत्कालीन गृह मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार शिंदे ने भरे मंच से कहा था कि बीजेपी और आरएसएस अपने कैंपों में हिंदू आतंकवाद की ट्रेनिंग देते हैं। एक तरफ हम इस देश में शांति लाने का प्रयास कर रहे हैं, माइनॉरिटी पर कहीं वक्त इनजस्टिस भी होता है वो भी देखा जा रहे हैं, इन्फिल्ट्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अभी बीच में ही हमारे पास ये रिपोर्ट आ गई है इन्वेस्टिगेशन में। ये भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस के हो, उनकी जो ट्रेनिंग कैंप है वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे हैं, इस पर भी हमारी बड़ी कड़ी नजर है। समझौता एक्सप्रेस, मक्का मस्जिद बात, स्पोर्ट, मालेगांव का स्पोर्ट, इसमें अभी सब दिख पड़ रहा है, एक एक दिख पड़ रहा है कि वहां जाके बॉम्ब प्लांट करना, और ताकि ये माइनॉरिटी के लोगों ने किया है इस प्रकार का बताना, इसके लिए भी हमें बहुत सतर्क करेंगे। सुशील कुमार शिंदे ने जहां हिंदू आतंकवाद शब्द कहा तो वहीं कांग्रेस सरकार में ही गृह मंत्री रह चुके पी चिदम्बरम ने भगवा आतंकवाद शब्द का जिक्र करते हुए कहा था कि देश में नौजवान लड़के लड़कियों को उग्र बनाने की कोशिशों की इजाजत नहीं दी जा सकती। इसके अलावा भगवा आतंकवाद का नया चलन उजागर हुआ है, जिसकी हाल ही में हुई कई बम धमाकों में भूमिका सामने आई है। कांग्रेस नेताओं के बयान के बाद से ही मीडिया में हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद जैसे शब्द चलन में बढ़ने लगे, लेकिन साल 2014 के चुनाव में जब कांग्रेस को बुरी तरह हार मिली तो एके एंटनी के नेतृत्व में पार्टी ने हार की समीक्षा करने के लिए एक समिति बनाई। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि कांग्रेस की हार की वजह मुसलमानों के तुष्टिकरण की नीति रही। इस रिपोर्ट के बाद से ही पार्टी धीरे धीरे सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पकड़ने लगी है, और उसके बाद राहुल गांधी, फिर प्रियंका गांधी जैसे दिग्गज नेताओं की मठ मंदिरों में जाने वाली तस्वीरें आने लगी। यहां तक कि साल 2018 में कांग्रेस को अपने नेता राहुल गांधी का गोत्र तक बताना पड़ गया, और राहुल गांधी की जनेऊ वाली तस्वीर भी मीडिया में आ गई, जिसके बाद सीएम योगी ने कहा था कि राहुल का जनेऊ दिखाकर खुद को सनातनी हिंदू दिखाने का प्रयास हमारी वैचारिक विजय है। सीएम योगी के इसी बयान से समझ सकते हैं कि कांग्रेस किस तरह से सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर बढ़ रही है। तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, देश की सियासत में इस नारे का जब भी जिक्र आएगा मायावती और बीएसपी का नाम जरूर आएगा। साल 2016 की ही तो बात है, जब बीजेपी नेता रहे वेंकैया नायडू ने संसद में बीएसपी के हंगामे में कहा था कि तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार वाली पार्टी हमें सलाह ना दे। यही बीएसपी आज चुनाव जीतने के लिए अयोध्या में राम मंदिर बनवाने का ऐलान कर रही है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ये बात अच्छी तरह से जानती हैं कि हिंदुत्व के एजेंडे वाली बीजेपी आने वाले यूपी चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा जरूर उठाएगी, जिससे ब्राह्मण वोट बीजेपी के पास जा सकता है। यही वजह है कि 2007 में दलित, मुस्लिम, ब्राह्मण के फॉर्मूले के दम पर सत्ता पाने वाली मायावती एक बार फिर इसी फॉर्मूले के दम पर कुर्सी हासिल करने के लिए हाथ पैर मार रही है। यही वजह है कि उन्होंने राम नगरी अयोध्या में ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन किया और इसकी कमान भी पार्टी ब्राह्मण नेता सतीश चंद्र मिश्र को दी गई, और जय भीम के नारे वाली पार्टी बीएसपी के सम्मेलन में पहली बार जय श्री राम का नारा गूंज उठा। इस नारे की गूंज के साथ ही बीएसपी ने ऐलान भी कर दिया कि जिस राम मंदिर की नींव भी बीजेपी सरकार नहीं पूरी कर सकी, उस मंदिर का काम मायावती सरकार पूरा करेगी।
इस सम्मेलन में सतीश चंद्र मिश्र जहां तिलक लगाए नजर आए, तो वहीं मंच पर भगवाधारी और जय श्री राम नाम का पताका लिए नेता भी नजर आए। बीएसपी के मंच पर मौजूदगी दर्ज करा रहे इस हिंदुत्व और राम मंदिर निर्माण के ऐलान से ही समझ सकते हैं कि अब वो भी सत्ता के लिए ही सही हिंदुत्व की राह पर चलने लगी है, क्योंकि वो समझ गई है कि बीजेपी के हिंदुत्व को हिंदुत्व की राह पर ही चलकर मात दिया जा सकता है। अब वो इसमें कितनी कामयाब होती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब बात कर लेते हैं जरा अखिलेश यादव की। ये समाजवादी पार्टी ही थी जिसकी सरकार में रामनगरी अयोध्या में कार सेवकों पर गोलियां बरसाई गई। ये 1990 का दौर था जब अयोध्या में कार सेवा के नाम पर राम भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा था और यूपी की सत्ता में थे मुलायम सिंह यादव। नवंबर का समय था और हनुमानगढ़ी की ओर राम भक्त बढ़े चले जा रहे थे कि तभी पुलिस ने फायरिंग कर दी, जिसमें करीब 1.5 दर्जन लोगों की मौत हो गई। इस दौरान कोलकाता से आए मशहूर कोठारी भाइयों की भी मौत हो गई। इस गोलीकांड के कई सालों बाद मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि उस समय मेरे सामने मंदिर मस्जिद और देश की एकता का सवाल था। बीजेपी वालों ने अयोध्या में 11 लाख की भीड़ कार सेवा के नाम पर लाकर खड़ी कर दी थी। देश की एकता के लिए मुझे गोली चलवानी पड़ी। हालांकि मुझे इसका अफसोस है, लेकिन और कोई विकल्प नहीं था। अयोध्या कांड के बाद ही मुलायम सिंह को मुल्ला मुलायम कहा जाने लगा। लेकिन आज कई सालों बाद अब जब पार्टी की कमान अखिलेश यादव के हाथ में आ गई है, तो वो भी सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर बढ़ने लगे हैं। जिस अयोध्या में मुलायम सिंह यादव ने गोलियां चलवाई थी, उसी अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में अखिलेश यादव बतौर सीएम दर्शन करने वाले पहले मुख्यमंत्री होंगे। ये हम नहीं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आईपी सिंह ने कहा था। उन्होंने ये भविष्यवाणी साल 2020 में ही कर दी थी कि राम मंदिर निर्माण के बाद वहां जाकर प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेने वाले पहले व्यक्ति मुख्यमंत्री के तौर पर अखिलेश यादव जी होंगे। सपा के इस ऐलान से ही आप समझ सकते हैं कि अखिलेश यादव किस तरह से सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलने के लिए बेताब है। इतना ही नहीं, याद करिए साल 2019 का वो वाकया जब आम तौर पर सफेद कुर्ता और काली सदरी पहने नजर आने वाले अखिलेश यादव गले में राम नामी पट्टा और गदा के साथ नजर आए थे। इस तस्वीर के बाद से ही सवाल उठने लगे थे कि क्या अखिलेश के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व की राह तो नहीं पकड़ रही है, या फिर आम लोगों के सामने इस वेशभूषा में आना खुद को सच्चा हिंदू बताने की दौड़ में शामिल होने का प्रयास तो नहीं है। कुंभ से लौटे अखिलेश ने जब गले में रामनामी पटका डाला, तो बीजेपी ने उन्हें मुलायम सरकार में अयोध्या में कार सेवकों पर चलाई गई गोलीकांड की याद दिला दी, जिसके जवाब में सपा प्रवक्ता सुनील सिंह साजन को कहना पड़ गया, क्या अखिलेश यादव हिंदू नहीं है? ये नकली हिंदू ही सवाल उठाते हैं, असली हिंदू तो हम ही लोग हैं। यानी कभी मुल्ला मुलायम के नाम से मशहूर रहे मुलायम सिंह यादव की पार्टी अब अखिलेश यादव को सार्वजनिक तौर पर हिंदू बताने से भी पीछे नहीं हटती। खुद अखिलेश यादव भी कह चुके हैं कि राम केवल भाजपा के नहीं है, भाजपा वाले राम का नाम वोट लेने के लिए जपते हैं, जबकि हम दिल से राम और कृष्ण को अपना मानते हैं। जिस तरह से देश की ये बड़ी पार्टियां अब हिंदू और हिंदुत्व की बात करने से जरा भी नहीं हिचक रही, उससे आप समझ सकते हैं कि केंद्र में मोदी और यूपी में योगी के आने से किस तरह से देश की राजनीति अब हिंदुत्व के इर्द गिर्द घूमने लगी है। बहरहाल, सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर इन पार्टियों के झुकाव पर आपकी क्या राय है?